साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, विच इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द अदर. ओके, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड एनी वन इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट. ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट होता क्या है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन हमारा अराइज होता है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज. ओके, तो अब हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज. इसका प्रिंसिपल किस फैक्ट पे बेस है, उसके लिए डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसमें फोर रेजिस्टेंसेस होते हैं बच्चों, फोर रेजिस्टेंस, और ये फोर रेजिस्टेंस अलोंग द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम अटैच रहते हैं. PQRS फोर रेजिस्टेंसेस है जिनको कनेक्टेड किया गया है अलोंग द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और सपोज अननोन रेजिस्टेंस है हमारा S, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो S की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बच्चों हम रेशियो P और Q का जो रेशियो आता है P बाय Q रेशियो को हम एडजस्ट करते हैं. ठीक है, और इसकी वैल्यू को एंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो मिल जाए, यानी कि नल डिफ्लेक्शन मिल जाए. तो जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है तब हम कहते हैं ये ब्रिज क्या है, बैलेंस हो गया. ठीक है, उस बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर को इंटरनली डायगोनल के अक्रॉस अटैच कर देते हैं, और दूसरा जो डायगोनल है उसके एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नली हम कनेक्ट करते हैं एक सेल और की ऑन ऑफ करने के लिए की. तो ये अरेंजमेंट हमारा कहलाता है व्हीट स्टोन ब्रिज. तो व्हीट स्टोन ब्रिज का मैंने प्रिंसिपल बताया आपको, प्रिंसिपल क्या होता है कि रेशियो पी बाय क्यू और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन. ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता तब हम कहेंगे ब्रिज इज बैलेंस्ड, और बैलेंस कंडीशन में यहां पर बी और डी पर जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेम हो जाएगा. ठीक है, सेम हो जाएगा. तो इट्स वर्किंग इज बेस्ड On the fact that when galvanometer
सेंटर शोज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन मीन्स गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाए, देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, बैलेंस दैट इज व्हेन वीबी इक्वल टू वीडी, यानी कि गैल्वेनोमीटर करंट यहां पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, देन देन पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस, दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस स्टेट में, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट में पी बाय क्यू का रेशियो आर बाय एस के इक्वल आ जाता है। पी क्यू आर नॉन रेजिस्टेंसेस है और एस अननोन रेजिस्टेंसेस है। इस तरह से हमें एस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है बच्चों, ठीक है। और एस की वैल्यू अगर कैलकुलेट हो गई तो इस वायर की रेजिस्टिविटी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए से। तो ये कहलाती है, ये कहलाती है कंडीशन ऑफ, कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो फिर हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि इसमें करंट बिल्कुल क्या रहेगी, जीरो, है ना, इस ब्रांच में करंट जीरो रहेगी, इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं यहां से बच्चों, ठीक है। तो ये तो प्रिंसिपल था, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ ऑफ कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, प्रूफ ऑफ बैलेंस कंडीशन कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम ये लेट करके चलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज अपनी बैलेंस कंडीशन में, तभी ये कंडीशन आएगी प्यारे बच्चों, पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर कंसीडर द बैलेंस, बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मीन्स क्या हुआ बच्चों, दैट इज वी बी इक्वल टू वी डी, यानी के आई जी करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो है। अब यहां से सेल ने करंट प्रोवाइड कराया, सपोज आई, ये आई करंट बच्चों यहां टू वायर्स में डिवाइड हो जाएगा ये करंट, ठीक है। तो इस वायर में करंट सपोज पहुंचा आई वन, ठीक है, तो इस वायर में करंट कितना जाएगा, आई माइनस कितना, आई वन। ओके, क्योंकि यहां पर जो करंट आई जी है बच्चों वो कितना है, जीरो है। तो ये पूरा करंट किस ब्रांच में जाएगा, बीसी से होकर पास होगा, ठीक है, आई वन। इसी तरीके से यहाँ करंट जीरो है तो ये पूरा करंट एस वाली ब्रांच में होकर पास हो जाएगा, आई माइनस कितना, आई वन। ये करंट की डायरेक्शन डी टू सी है, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो, ये हाई ये लो, और ये हाई और ये लो, है ना। अब ये करंट यहाँ पे मिलेंगे आके, और यहाँ मिलके फिर करंट हमें मिल जाएगा कितना, आई, जितना करंट लिया था सेल से उतना ही करंट दे दिया, यानी के केसीएल के बेस पर हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इन ईच ब्रांच। ओके, अब हम दो लूप हमारे पास यहाँ पर है, ए बी डी, इस लूप में KVL अप्लाई कर देंगे, इसके बाद लूप सेकंड,
लोब सेकंड, ए बी डी ए है ना, लोब वन लेट किया गया हमने, बी सी डी बी यानी कि हम क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, यानी कि ए से स्टार्ट करेंगे और ए पर ही स्टॉप करेंगे आके, ठीक है ना, पूरा घूम जाना है। तो ये केवीएल है, तो अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केवीएल फॉर लूप वन। तो फॉर लूप वन के लिए अप्लाई करेंगे है ना, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो यहां से ए से चलेंगे, करंट कितना है रेजिस्टेंस में पी में, आई वन, तो यहां से पहला साइन के कौन सा मिला, प्लस आई वन पी। ओके, अब हम आए यहां पे, करंट जीरो है बच्चों, और ये प्लस और ये कितना है माइनस, तो यहां पे मिला हमें माइनस आई माइनस आई वन इंटू पी इक्वल टू जीरो, क्लियर, सॉरी इंटू आर, आई माइनस आई वन इंटू आर है ना, इस ब्रांच का वोल्टेज कितने डेवलप होंगे, आई माइनस आई वन इंटू आर, क्योंकि ए से चले पॉजिटिव साइन फर्स्ट साइन, फिर यहाँ जीरो करंट तो आई जी इंटू जीरो, और यहाँ पर निगेटिव है ना, तो माइनस साइन लिया हमने, करंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस से, क्लियर। तो यहाँ पर आई वन पी इक्वल टू हमें मिल जाता है आई माइनस आई वन इंटू आर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केवीएल फॉर लूप सेकंड, फॉर लूप सेकंड, सेकंड लूप में बी से चलेंगे हम, फर्स्ट साइन पॉजिटिव मिला तो वोल्टेज मिले, इस ब्रांच में हमें वोल्टेज मिले बच्चों क्यू इंटू आई वन प्लस के, फिर हम आए नेक्स्ट ब्रांच में एस वाली, तो हम हमारा मोशन बी से सी, सी से डी, तो निगेटिव साइन मिला फर्स्ट हमें, निगेटिव एस मल्टीप्लाई आई माइनस आई वन डी पे आए, फिर हमें हम जाएंगे बी डी ब्रांच में, तो बी डी ब्रांच में करंट जीरो है, तो आपका रेजिस्टेंस और करंट की मल्टीप्लाई होके वोल्टेज जीरो मिल जाएंगे, क्योंकि बी और डी पे हमने लेट किया गया है, पोटेंशियल सेम है, इक्वल टू बी पे पहुंच गए जीरो। इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड, क्यू आई वन इक्वल टू एस आई माइनस आई, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। अब प्यारे बच्चों दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को, फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय वन अपॉन टू, इक्वेशन वन अपॉन टू आई वन पी है ना अपॉन क्यू आई वन, तो यहाँ पर आई वन पी अपॉन क्यू आई वन इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर अपॉन एस इंटू आई माइनस आई वन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई वन आई आई वन कैंसिल, आई माइनस आई वन ऊपर नीचे से कैंसिल, तो ये हमें कंडीशन मिल जाती है पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो ये कंडीशन हमें मिल जाती है पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो हमेशा जब हम इक्वेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें और हमें फोर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड दिए गए हैं, ठीक है ना, और पांचवा रेजिस्टेंस एक डायगोनल के अक्रॉस गिवन है, ठीक है, तब समझ जाओ कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है। अगर बैलेंस हो जाता है प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, फिर इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है। मान लिया ए और सी के बीच इक्वेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता तो यहाँ पर और बैलेंस होता है ना। बैलेंस का मीन्स कैसे चेक करेंगे, अपर आर्म जो है उनके रेजिस्टेंसेस का एरिया, लोअर आर्म जो है उनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो, ठीक है, अगर इक्वल आ जाता है तो गैल्वेनोमीटर में करंट हो जाएगी जीरो, गैल्वेनोमीटर यहाँ से रिमूव कर देंगे, या पांचवा जो भी रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर के प्लेस पे जो रखा गया है
उस रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे। हटाने के बाद ए और सी के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। पी और क्यू सीरीज में हो जाएंगे, आर और एस सीरीज में, तो ये पी प्लस क्यू आ जाएगा, नीचे आर प्लस एस आ जाएगा, फिर दोनों कैसे है पैरेलल है, तो पैरेलल का मीन्स क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंसेस की मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम इजीली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ केसीएल एंड केवी एंड नोन एज व्हीट स्टोन ब्रिज, और उसकी कंडीशन भी हम पढ़ चुके पी बाय क्यू। और ज्यादा बेटर है कि ये चेक करने के लिए ये ब्रिज बैलेंस है, तो आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये पी एस इक्वल टू कितना आएगा, पी एस इक्वल टू बच्चों क्यू आर। तो हम जानते हैं सभी कि भाई मल्टीप्लीकेशन इज मोर इजी देन डिविजन, तो बेटर है प्यारे बच्चों, मैं सलाह देता हूं कि जो क्रॉसिंग पे रेजिस्टेंस लगे हुए डायरेक्ट उनका मल्टीप्लीकेशन चेक करो। यानी कि अगर हमारा क्रॉसिंग वाले जो रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट है वो इक्वल आ जाती है, पी और एस की प्रोडक्ट इक्वल आ जाती है क्यू और आर के, ऐसे लर्न करो। पी बाय क्यू के पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस के बजाय आप कैसे लर्न करो कि मल्टीप्लीकेशन पी और एस की मल्टीप्लाई अगर आ जाती है क्यू और आर की मल्टीप्लीकेशन के, तो ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा, बी और डी पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा और करंट गैल्वेनोमीटर में जीरो हो जाएगा। इसी को कहते हैं नल डिफ्लेक्शन, यानी कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर? ओके, अब प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। स्पेशल पॉइंट पॉइंट्स अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में सभी रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर के हैं तो उसको हम कहेंगे सेंसिटिव। ठीक है, तब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहलाता है, सेंसिटिव कहलाता है। सेंसिटिव का मीन्स क्या है, अब हम जो अननोन रेजिस्टेंस एस था उसकी वैल्यू ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, इफ All the four resistances in Wheatstone bridge are of same order means बच्चो all are in same unit में हो, है ना। सेम यूनिट का मीन्स क्या है, या तो all are ohm में हो, या all are किलो ohm में हो, या all are in mega ohm में हो। ये नहीं कि एक रेजिस्टेंस किलो ohm में है और दूसरा रेजिस्टेंस ohm में है। ठीक है, तो सेम यूनिट है ना, सेम यूनिट, सेम स्टैंडर्ड यूनिट में हो। ठीक है, then bridge is said to be sensitive, तब bridge sensitive कहलाता है। sensitive means यानी कि आप small current या small voltage पर
डिफ्लेक्शन जो हमें मिलता है गैल्वेनोमीटर में वो लार्ज मिले। कोई भी डिवाइस एनी डिवाइस इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन इवन एट स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज, तो ये सेंसिटिव कहलाता है ना। सो इसका मीन्स क्या हो गया, सो वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस एस विथ ग्रेटर एक्यूरेसी से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें एरर कम मिलेगी। दूसरी बात, इफ पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस, यानी कि सभी रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल है देन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, तब बच्चों मोस्ट सेंसिटिव कहलाते हैं, मोस्ट सेंसिटिव। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, अगर बैलेंस कंडीशन में है व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस कंडीशन पर अगर हम सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यानी कि सेल की पोजीशन पर हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दे और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन पर सेल को कनेक्ट कर दे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर मीटर इज इंटरचेंज, अगर उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर स्मॉल रेजिस्टेंस है ना, तो स्मॉल रेजिस्टेंस को हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से, है ना, मेजर नहीं कर सकते। रीजन क्या है प्यारे बच्चों, इन दैट केस, ऐसे केस में हमें जो कनेक्टेड वायर है फिर उनका रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम स्मॉल रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते किसकी हेल्प से, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि आपका वी कैन नॉट, है ना, फाइंड द स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये फोर पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, फोर पॉइंट। वी कैन नॉट फाइंड द resistance, the small resistance, ठीक है, किससे, है ना, by व्हीटस्टोन ब्रिज, because in that case resistances of connected wires
कैन नॉट बी नेगलेक्टेड, कैन नॉट बी नेगलेक्टेड, ठीक है ना, क्योंकि उनके रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये फॉर पॉइंट्स थे प्यारे बच्चों। अब हम ये देखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज के है ना कितने अदर फॉर्म्स होती है, यानी कि जो फोर रेजिस्टेंस है और फाइव जो फिफ्थ रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर का है, उसको है ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड जो फॉर्म थी वो मैंने बता ही दी आपको, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म हम देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज की, जो बहुत पॉपुलर फॉर्म होती है ये, यहां भी फोर रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस फिफ्थ रेजिस्टेंस है, तो ये पी है यहां, ये क्यू, ये आर और ये एस, यानी कि ये पॉइंट ए, ये बी हो गया बच्चों, फिर बी से सी पे गए और सी से डी पे। तो ये भी अदर फॉर्म है व्हीट स्टोन ब्रिज की, इसकी व्हीट स्टोन ब्रिज की अदर फॉर्म आ जाती है। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे रोटेट कर दे इस पॉइंट को, इसको थोड़ा ऊपर रोटेट कर दे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दे, ये करके ऐसे रोटेट कर दे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी हमें व्हीट स्टोन ब्रिज की, ठीक है। तो यहाँ भी अगर क्या है P और S की मल्टीप्लाई आ जाती है Q और R के, तो आप ये जो फिफ्थ रेजिस्टेंस है G मान सकते, इसको नेगलेक्ट कर सकते, हटा सकते, रिमूव कर सकते यहाँ से। जैसे ही इसको रिमूव करेंगे P और Q सीरीज में हो जाएंगे, R और S सीरीज में, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा P और Q का P प्लस Q और R और S का R प्लस S, और फिर आपस में ये पैरेलल हो जाएंगे, तो ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म ये हो गई आपकी अदर, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्म प्यारे बच्चों इस तरीके से होगी, ये प्यारे बच्चों ये हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्म हमारी ये हो जाती है, ये तो हमारा ये ए है, एक ठीक है, ये ए हो गया। ए को हम पकड़ के, अगर हम ए वायर को हम पकड़े और इस तरफ हम ले आए, यानी दूसरी साइड हम इस ए वायर को घुमा दिया जाए पकड़ के, ठीक है, तो ये ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ए और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना P A B, ये और ये कौन सा है, ये क्या है C है, ठीक है, और B और C के बीच में कनेक्टेड है Q, ओके। अब B से ये A हो गया है ना, तो A से फिर क्या है D है यहाँ पर, ये किसके D और B के बीच में है ना, D और B के बीच में कनेक्टेड रहता है, तो D ये B और D के बीच में आ जाएगा और ये P हो जाएगा, ये हो जाएगा R और ये बीच में आ जाएगा G, ठीक है। बचा कौन सा, P आ गया, Q आ गया,
ठीक है, पी क्यू और ये अननोन बच जाएगा हमारा एस। क्लियर है? तो ये भी अगर इसको पकड़ के इधर ले आए है ना, और इसको थोड़ा सा ऊपर रोटेट कराए, और इसको जब इस तरफ लाएंगे नीचे रोटेट करा दे, तो ये भी क्या है, क्योंकि पांच रेजिस्टेंस है यहाँ पी क्यू आर एस और जी है ना, बी और डी पे अगर पी और एस की प्रोडक्ट इक्वल आ जाती है आर और क्यू के, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, तो ये अदर फॉर्म कहलाएगी। तो इसको यहाँ ला सकते हैं आप, इसको रोटेट करके जैसे ही आप यहाँ लाएंगे, ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, दिस यहाँ पे हो जाएगा ये ए। तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, तो ये देखो अब यहाँ से रिमूव करेंगे अगर इसको, ये हो गया पी, ये हो गया आर, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको पकड़ के इस तरफ कर दो, तो ये पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है। और नेक्स्ट फॉर्म अगर देखें, बिल्कुल सबसे नॉर्मल फॉर्म होती है दिस वन, ये पी, ये क्यू, ठीक है, ये आर, ये एस और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ए बी सी डी। तो अगर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, इफ इफ पी एस इक्वल टू क्यू आर, देन जी इज नेग्लेक्टेड या जी इज रिमूव, जी को रिमूव करेंगे प्यारे बच्चे, जी को रिमूव करेंगे है ना, सो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी हमें मिल जाएगा, इसको हटा लेंगे, पी प्लस क्यू सीरीज में है, ठीक है, और आर और एस भी सीरीज में हो जाएंगे, तो आर प्लस एस दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों फिर पैरेलल, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल है, तो दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर, दोनों का एडिशन नीचे, पी प्लस क्यू प्लस आर, इस तरीके से इक्विवेलेंट हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और प्यारे बच्चों आप देखें, अगर ये भी वन ओम, ये भी वन ओम, ये सभी वन ओम के हो, पी क्यू आर एस सभी वन ओम के हो या टू ओम के हो, यानी कि अगर ये एक्स ओम का है, ये भी एक्स ओम का है, और ये भी कितना एक्स ओम का है, और ये भी एक्स ओम का है, और वॉट एवर जी की वैल्यू कुछ भी हो, डिफरेंट हो या सेम हो, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, x plus x 2x, 2x multiply 2x 4x square, x plus x plus x plus x, तो 4x square ऊपर आ गया, 4x नीचे आ गया, आंसर हमारा क्या मिल जाता है, आंसर हमारा मिल जाता है x ओ, कितना आंसर मिल जाएगा प्यारे बच्चों x ओ। तो इफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर ऑफ इक्वल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and C is also X ohm. Okay? यानी के equal. Thank you.